आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनमें से एक ने मुझे बोला है कि मैं हर एक पार्ट के, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स के ऊपर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाओ और उनमें कौन कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए वो बताओ। पहले तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अभी फिटनेस के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान है। और जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो सब मेरा पढ़ाई के बाद ही मैं जान पाया हूँ। हाँ, हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये गलत बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जितना मैंने जाना है वो इस वीडियो के दौरान मैं पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, पहले जान लो, हाँ, जो आज का टॉपिक है वो चेस्ट के ऊपर है। सबसे पहले जान लो कि चेस्ट में कितना मसल होता है। ठीक है, ये चेस्ट है, इसमें कितना मसल होता है। चेस्ट में दोनों पार्ट होता है, एक ही ऊपर का, जिसको कहते हैं हम पेक्टोरालिस मेजर, और इस अगर ऊपर के हिस्से को काट दिया जाए उसके बाद एक छोटा एक पार्ट आता है जो इसके भीतर है, उसको कहते हैं हम पेक्टोरालिस माइनर। तो मेनली दो पार्ट है, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। अब जो माइनर जो है वो इसके अंदर जी, मतलब इसके भीतर जो है वो इसके ऊपर के साथ ट्रेन हो जाता है। अब रह गया पेक्टोरालिस मेजर, मतलब ऊपर का हिस्सा। अब ऊपर के हिस्से में दोनों भाग है, कहीं ना कहीं तस्वीर पे आप लोगों को पिक्चर देख रही होगी, जो उसमें जो ऊपर का जो भाग है आप देख सकते हैं काला कलर, वो ये जो पार्ट होता है ना उसको कहते हैं क्लाविकुलर हेड। क्लाविकुलर हेड मतलब ऊपर का, और नीचे का जो पार्ट है उसको कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल हेड। क्लाविकुलर हेड ऊपर का और नीचे स्टर्नोकॉस्टल हेड, ये दो पार्ट है। अब दो पार्ट तो आप जान गए, उसके बाद पहले समझ लो हर चेस्ट एक्सरसाइज में होता क्या है। देखो ध्यान से देखना, और पिक्चर को भी देखना, ये जो हाथ है ना लिया जाता है ये, अब इसको बोलता क्या है। अब ये हमारा चेस्ट है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर ध्यान से देखना कहाँ जा रहा है, पीछे मतलब बॉडी लाइन से दूर जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे एबडक्शन। क्या? एबडक्शन। और जब पास आ रहा है इसको बोलेंगे एडक्शन। तो बेसिकली आप चेस्ट में किसी भी तरह एक्सरसाइज करो, लाई करो, जो कुछ भी करो, बस यही होगा हाथ, ये एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन, और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं चेस्ट में। जो कुछ भी ले लो उठा के, चेस्ट प्रेस करो उसमें भी एबडक्शन एडक्शन, बस यही है। अब कौन कौन से एक्सरसाइज में कौन से मसल ट्रेन होता है, देखो जो है ना, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लाई, चेस्ट में तीन ही है। आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो, इंक्लाइन बारबेल प्रेस कर सकते हो, डिक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो, डिक्लाइन बारबेल प्रेस कर सकते हो, और फ्लैट कर सकते हो। अब जो है ध्यान से समझना, इंक्लाइन में मतलब हम जो इंक्लाइन डंबल या बारबेल कुछ भी प्रेस करते हैं ना, उसमें सिर्फ ये ऊपर का मतलब क्लाविकुलर हेड ही टेंड होता है, नीचे का हेड टेंड नहीं होता। क्या? इंक्लाइन में सिर्फ ऊपर का, और जो फ्लैट में है फ्लैट में नीचे का, मतलब फ्लैट जो बेंच प्रेस है वो आप बारबेल में करो या डंबल में करो, नीचे का हिस्सा। और आखिर में डिक्लाइन मतलब वो बेंच आप पिक्चर में देख सकते हैं नीचे वाला डिक्लाइन, उसमें होता क्या है, ये दोनों हेड ट्रेन होता है। मतलब कुल मिला के ये बात बैठा, इंक्लाइन में ऊपर का, डिक्लाइन में नीचे का, सॉरी इंक्लाइन में ऊपर का और फ्लैट में नीचे का, और डिक्लाइन में दोनों का ट्रेन होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंक्लाइन में ऊपर का, डिक्लाइन में दोनों का, और फ्लैट में सिर्फ नीचे का। अब जब डिक्लाइन में दोनों का ही ट्रेन हो रहा है और इंक्लाइन में ऊपर का ट्रेन होता है हो रहा है, तो फ्लैट हम क्यों करें? इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेस्ट में किसी भी फ्लैट मूवमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद आता है कौन कौन से एक्सरसाइज करें। अब देखो डंबल और बारबेल यही दो चीज रह गया। अब डंबल में जो होता है आइसोलेशन मूवमेंट मिलता है। हम आइसोलेशन मूवमेंट क्या है, मतलब जब हम बारबेल से पुश करते हैं ना, तो जिस हाथ में हमारा पावर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पुश करते हैं और दूसरा हाथ थोड़ा कम करते हैं, इसलिए कुछ फर्क पहले तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे इस तरफ और इस तरफ पे सिमेट्री थोड़ा बहुत कम है दूसरे के मुकाबले में। अब डंबल से करोगे तो ये हाथ उठाएगा, तो इसको भी तो पूरा जोर से उठाना पड़ेगा ना, तो इसलिए डंबल को कहते हैं आइसोलेशन मूवमेंट, क्योंकि उसमें दोनों हाथ का पावर पूरा एक साथ दोनों ही तरफ यूज होता है और मूवमेंट भी
सेम ही है, ठीक है। और ज्वाइंट तो एक से बढ़, ये भी कम करता है, ये भी कम करता है। अब वो सब छोड़ो, नेक्स्ट जो है कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, मैं जो एक्सरसाइज बोल रहा हूँ बस उसको करते जाओ ध्यान से, रेपुटेशन बढ़ाते जाओ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला, अगर आपके पास डंबल बारबेल दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है, तो पहले आप बारबेल में जाओ, बारबेल में जाके डिक्लाइन हिट करो, उसके बाद इंक्लाइन हिट करो। अब डिक्लाइन में जो बेंच का जो एंगल होगा वो -15 डिग्री होगा, डिक्लाइन में मानना -15 डिग्री, और इंक्लाइन में जो होगा +30 डिग्री। प्लस क्यों है? क्योंकि इंक्लाइन इसलिए प्लस है, माइनस है तो इसलिए डिक्लाइन में माइनस है, नीचे जा रहा है। तो ये तो हो गया बारबेल प्रेस। इसमें आप सेट्स लगाओ, पहले जो बिगिनर है वो 3 सेट लगाओ, एक वार्म अप सेट लगाओ ले लो, और 2 मेन सेट ले लो, और जो इंटरमीडिएट या एडवांस है वो अपने सेट्स को बढ़ाए, सेट्स को बढ़ाए और रेपुटेशन रखे। जो बिगिनर है वो 10 से 15 सेट के बीच रखे, और जो इंटरमीडिएट है वो इतना वेट रखे कि 6 से 8 रेपुटेशन जाए। अब जब बारबेल में हो गया तो डंबल में आइए, सेम चीज़ जो एंगल बेंच का बारबेल में था डंबल में वही एंगल रहेगा और वही रहेगा, या फिर सिर्फ फर्क इतना है वह आप बारबेल में पुश कर रहे थे या फिर आप डंबल में। ये जो 4 एक्सरसाइज है बस यही करो, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब और करोगे तो बात यही हुआ, एक ही मसल पे आप बार 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 बहुत से एक्सरसाइज से हिट कर रहे हैं। इसका कुल मिला के बात ये बैठता है, आप एक एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और 4-5 एक्सरसाइज को मिला के एक जगह पे हिट कर रहे हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है? हाँ, जिसके पास जिम में 2-2.5 घंटे टाइम होता है वो करे, लेकिन जिनको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए और प्रॉपर काम चाहिए वो सिर्फ यही करे। तो मैं एक कुल मिला के बताता हूँ, पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस बारबेल प्रेस, डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसके बाद डिक्लाइन डंबल प्रेस, बस यही 4, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 4 करने से पहले ज़रूर वार्म अप कर लेना, थोड़ा बहुत मोबिलिटी बिल्ड कर लेना, और इसके बाद अगर एक्सरसाइज हो जाए तो स्ट्रेचिंग कर लेना। और कुछ लोग ऐसा बोलेगा कि ये सिर्फ 4 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए, और क्या करूँ, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। बताऊँगा अगले वीडियो बताऊँ कि सिर्फ चेस्ट नहीं करना है, चेस्ट के दिन कुछ और भी करना है, ठीक है। और अगर 1 घंटे में 4 आप प्रॉपर तरीके से करोगे ना, मतलब रेपुटेशन ठीक ठाक लगा के, तो इसमें आपका चेस्ट धराधार बढ़ता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।